यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर रोहतक से, जहां पर तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज होने वाला है और साथ ही इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर इस का सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 26 मार्च तक ये तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य के कृषि मंत्री भी इस सम्मेलन में आज शिरकत करेंगे, इस सम्मेलन में आज मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज कृषि सम्मेलन समारोह आज से शुरू हो रहा है, जो कि 3 दिवसीय है और साथ ही 26 मार्च तक ये कृषि सम्मेलन चलेगा, जिसका शुभारंभ आज से हो रहा है। और साथ ही तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन ये है और इसके अलावा सीएम मनोहर लाल की ओर से इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा। किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जो है विशेष यहां पर ध्यान केंद्रित रहेगा, इस पर फोकस रहेगा, जिसको देखते हुए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है रोहतक में। 3 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन है और साथ ही इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य के कृषि मंत्री भी यहां पर मौजूद नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सुरेंद्र सिंह, हमारे संवाददाता रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, तृतीय कृषि शिखर सम्मेलन का आगाज आज से हो रहा है और साथ ही क्या कुछ उद्देश्य इस कार्यक्रम का रहने वाला है और किस तरह से किसानों की आय जो है बढ़ाया जाए, इसको लेकर क्या मंथन जो है आज होने की संभावना है? देखिए, आज रोहतक में 3 दिवसीय जो एग्री समिट यहाँ पे होने वाला है, इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ कई मुख्यमंत्री हरियाणा जो अलग जो प्रदेशों के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ पे शिरकत करने के लिए पहुँचेंगे। यहाँ किसानों के अलग अलग जो कृषि यंत्र हैं उनके बारे में जानकारी देगी, किसानों की जो आय है कैसे बढ़ोतरी की जाए और कृषि के नए नए जो तकनीक है वो उसके बारे में चर्चा होगी। इसमें अलग अलग एक सम्मेलन है और करीब इसमें 1 लाख किसान है हरियाणा प्रदेश के, वो भाग लेंगे और जो भाग लेने आएंगे उनको इनामों की भी घोषणा की है। जो प्रथम आएगा उसको एक ट्रैक्टर भी दिया जाएगा और इस तरह के 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। जी सुरेंद्र, साथ ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस सम्मेलन में जो है शिरकत कर सकते हैं, तो क्या वो भी आज यहाँ पर पहुँचेंगे? जी देखिए, काफी VIPs यहाँ पे आएंगे और इसके अलावा सभी जो उन्होंने निमंत्रण दिया है, काफी नए जो पर दूसरे प्रदेशों के कृषि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इसमें शिरकत करने जरूर पहुँचेंगे। जी सुरेंद्र, क्या छत्तीसगढ़ और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के कृषि मंत्री भी आज पहुँचेंगे यहाँ पर? जी, जो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने जानकारी दी कि हमने तमाम जो राज्यों के जो कृषि मंत्री हैं उनको निमंत्रण भेजा है और जो जो अभी कई जो मंत्री हैं कृषि मंत्री वो पहुंचेंगे और जो प्रदेश जो केंद्र के कृषि मंत्री है वो भी पहुंचेंगे और साथ साथ जो राज्यपाल है कई राज्यों के वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो आज से आपको बता दें कि रोहतक में तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। 3 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन रहने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर इस कृषि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य के कृषि मंत्री भी आज पहुंचेंगे और साथ ही 26 मार्च तक ये तृतीय कृषि नेतृत्व सम्मेलन चलेगा।